तो नमस्कार, बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे थे और तीन चार भाइयों ने एक विशेष बात के बारे में पूछा और वो था कि सर 5 दिन का काफ है और उसको डायरिया हो रहा है, दस्त हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। देखिए, आज एक ऐसी गोली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस एक गोली की मदद से आप अगर नवजात को दस्त हो रहे हैं उसको रोक सकते हैं और साथ में एक सिरप भी बताऊँगा, वो दोनों का मिक्सअप अगर आप दे देंगे तो वाकई कमाल हो जाएगा और वो जो दस्त हो रही है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो आप जब 5 दिन के का आपको दस्त हो रही है तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि ये कहीं उसके ज़्यादा दूध पीने की वजह से तो नहीं हुआ है, इसको आप पहले देख लीजिए। अगर ज़्यादा दूध पीने की वजह से हुआ है, ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो एक दिन के लिए दस्त को होने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, मत रोकिए। दूसरे दिन फिर आप उसकी दवा दे सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। उसके लिए क्या करना रहेगा, दो प्रकार की दवाएं आपको इस्तेमाल करनी है, तो जिनमें से जो नंबर 1 दवा है, पहली दवा, उसका नाम है फ्रेंड, एक प्रकार की टेबलेट आती है जो हुमन की सभी जगह मिल जाएगी, जिसका नाम है ऑफ्लोक्सासिन और निडाजोल, जिसको ओजेड बोलते हैं, कई O2 भी बोलते हैं, वही। तो ये मैं यहाँ पर एक हल्का सा नाम लिख रहा हूँ, ऑफ्लो ओजेड। एक्चुअली क्या है, ये 700 mg की आती है, ठीक है। ऑफ्लो ओजेड जो है वो 700 mg की आती है और ये 700 mg की टेबलेट 15 किलो से लेकर के 30 किलो के काप के लिए एक एक टेबलेट सुबह शाम 2 दिन तक देनी होती है, यानी 1 टेबलेट BD। BD किसे कहेंगे, सुबह और शाम दोनों समय दी जाती है, उसको BD कहा जाता है। तो आप एक एक टेबलेट सुबह शाम दे दीजिए, बिल्कुल एकदम से कवर हो जाएगा। इसके बावजूद अगर आराम नहीं मिलता है तो एक सिरप आती है जिसका नाम है फ्लेजिल। क्या नाम है फ्रेंड, उस सिरप का नाम है फ्लेजिल। फ्लेजिल, ये मेट्रोनिडाजोल की सिरप आती है और जितना उसका वजन है उतने ही ml आपको देनी होती है। दिन में एक बार भी दे सकते हैं, ज़्यादा तकलीफ हुई तो 2 बार दे सकते हैं। ये जो सिरप है ना, इसको आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से दीजिएगा, क्योंकि इसकी मात्रा को कई बार आधा किया जाता है, कई बार प्रॉपर दिया जाता है। तो अगर आपने उनकी सलाह ले ली तो उनके हिसाब से दे सकते हैं, सलाह नहीं ले पाए हैं तो आप वज़न का आधा जो होता है उसको ml में कन्वर्ट करके और सुबह दे सकते हैं और उतना ही शाम को दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका काप जो है वो 20 kg का है, सपोज, तो 20 केजी का अगर काफ है तो उस सूरत में आपको इसको 10 ml, आधा कितना हुआ, 10 ml आपको देनी रहेगी और कई बार इससे भी आधी मात्रा आप दे सकते हैं, यानी 5 ml दे सकते हैं। तो 5 से लेकर के और 10 ml तक फ्लेजिल सिरप आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह और उतनी ही फिर शाम को दे सकते हैं, यानी पूरे दिन में वज़न की आधी हो गई। और अगर वज़न के बराबर, जैसे 20 ml भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से, सलाह नहीं ले रहे हैं तो आप 5 से 10 ml ही एक टाइम देंगे और एक वो टेबलेट देंगे, जितने में दस्त जो है वो तुरंत रुक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली।